कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना बोले ओले ब्लॉग बना ले, ओले। ओले ओले बने 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 आज राइट हो गए हमारा राइट हैंड अब काम नहीं कर रहा है और मेरा लेफ्ट नहीं। मेरे को लगता है इस बार तो कुछ तो होगा। नहीं हाँ दे 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 ना, ना पूरा दे दे ना। दवाई कर दिया तो इधर आ गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और ये देखिए बारिश होने लगा, अभी थोड़ी देर पहले बर्फ गिर रहा था, सोचे दिखाते हैं, अब बारिश होना शुरू हो गया। ओ बारिश नहीं है बाबा, स्टोन है, स्टोन है, बारिश नहीं, नहीं नहीं स्टोन है। ये देखिए ये स्टोन है। हाँ स्टोन गिर रहा है। ऐसे में डॉक्टर के पास कैसे जाइएगा आप? डॉक्टर बोलेंगे डॉक्टर डॉक्टर स्नो गिर रहा है, हम नहीं आ रहे। ये देखिए मतलब मस्त बर्फ होने वाला है। तो हमरे पीछे आप देख सकते हैं, दिख रहा है वो जो ना स्नो नहीं हो रहा है, स्टोन गिर रहा है एकदम छोटा छोटा ना। तो मौसम बहुत ही अजीब, क्या बोले, अच्छा बोले कि अजीब बोले, लेकिन कुछ भी हो गया है। स्मिता मैडम जो है ना खुश थे कि स्नो होगा, लेकिन स्नो नहीं दिए, भगवान पत्थर गिरा रहे हैं उसके ऊपर, पत्थरों की बौछार हो रही है। छोटा स्नो बन गया, छोटा हो गया, चला गया वो, वो भी चला गया। ये ना मौसम ना बहुत खतरनाक है, कभी स्नो हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी पत्थर गिर रहा है, पता नहीं। और चलिए फटाफट खाना खाते और हम लोग को निकलना है, क्योंकि आज हम लोग को जाना है डॉक्टर के पास खेलना है, ठीक है। और चलिए ठंडा भी लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है मौसम आज। हम लोग कार में जो है ना आ गए हैं, और घर से कार तक आते आते आज हमें पता चला कि आज संडे नहीं है, आज है ठंडे, समझे, ठंडा डे, बहुत ठंडा है भाई। मौसम भी झंड झंडे और सब ठंड है। हम सोचे की बोल, दिस इज नॉट संडे, बहुत ठंड है बाबा, बोले ना तुरंत पानी हो रहा है, बर्फ हो रहा है, फिर ओले गिर रहे हैं, मतलब ये हो रहा है, सबका मिश्रण है आज, मिक्स डे। और -4 दिखा रहा है अभी, सुबह में तो और ज्यादा होगा, हम लोग तो अभी उठे। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग का है बूस्टर डोज, हम दोनों का, उसका पता नहीं, उसका अभी हम लोग का बाय ट्रेन, हम लोग का दोनों का है बूस्टर डोज, रिसीव का अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं, देखते हैं, और देखते हैं लेट्स सी कैसा होने वाला है बूस्टर डोज के बाद। सुनने तो हैं कि फीवर ऊपर आता है, लास्ट टाइम तो हम दोनों वैक्सीन में बच गए थे, भगवान इस बार भी बचा देना, फीवर ऊपर दृष्टि इस पे बनाए रखना, फीवर ऊपर कुछ नहीं आया था, इस बार देखते हैं कि कैसा रहता है। तो को अराउंड 30 मिनट लग रहा है, क्योंकि 26 किलोमीटर है, और थोड़ा सा धीरे जाना होगा क्योंकि बर्फ और बारिश की वजह से गिर रहे हैं बाबा ओले। आप बर्फ में ना हमको कार वार में जाने का मन नहीं कर, क्योंकि एक बार हमको हुआ पड़ा है कि इतना कार फिसलता है कार थ्रुए में, ठका ठक एक दूसरे को ठोके जा रहा था, ठोके जा, कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना बोले ओले, ब्लॉग बना ले ओले ओले। हाँ तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को ठोके जा रहा है, ठोके जा, क्योंकि ना बर्फ गिरे तो खूब गिरे, थोड़ा ना गिरे, फिसलन वाला ना बहुत फिसलता है, फिर प्रॉब्लम होता है फिसलन वाला। चलो ड्राइवर जल्दी ग्रीन हो गया, जय गणेश भगवान। बहुत कम भीड़ है, ज्यादा लोग हैं नहीं अभी, और हम लोग को फाइजर मिला है, फाइजर जिंदाबाद, मतलब बूस्टर भी हमारा फाइजर ही हो गया। बेचारा वेट कर रहा था कि अब मेरा नंबर आएगा, हमको भी लिख, नहीं, हम बोले अभी नहीं ले बेटा, लेंगे तेरा लेंगे, दो डोज तो हो गया, बूस्टर दिलाएंगे। इसके स्कूल में ना बहुत बच्चा पहला डोज भी नहीं लिया, सोचो हमेशा कोरोना कोरोना निकलते रहता है, पहला डोज तो लो पहले, सब ले रहा है, लेकिन अब ले रहा है, रिसेप्ट का 6 मंथ होने वाला, अब जाके लोग ले रहा है। और जब आया था पहला, फर्स्ट टाइम जब आया था ना कि आप 12 ईयर के से ऊपर दे सकते हैं, तभी हम रिसेप्ट का दिलवाया था, तो 5 से 11 वाला भी ले रहा है लोग। हाँ 5 से 11, अब वही है, धीरे धीरे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, इसको भी दिलाएंगे, जब जाने आने में प्रॉब्लम होगा, कहीं कहीं जाना होगा इंडिया वगैरह, तब दिलाएंगे। तो हम लोग का हो गया है, देखते हैं कैसा रहता है, हाथ तो दर्द करना चालू हो गया अभी। तो चलिए हम लोग घर चलते हैं, और
दिन भर का दिनचर्या देते रहेंगे कि हम लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं, बूस्टर का क्या क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। बूस्टर साइड इफेक्ट। और पूछ रही थी लास्ट टाइम आपको जो सुई लिए थे उससे कुछ फीवर वगैरह या पेन हुआ था, तो हम लोग को, हमको तो कुछ नहीं हुआ था, ये अपना बताए हमको फीवर हुआ है। हमारा 2 घंटा हो गया है वैक्सीन लिए हुए और अभी तक हम तो ठीक ठाक लग रहे हैं। स्मिता मैडम डर के मारे कि कहीं उनको जो है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, वो किचन में आ चुकी हैं कि कुछ खाना पीना बनाया जाए, जो है रात का काम निपटा दिया जाए। और इससे भी पूछ लेते हैं, कैसा लग रहा है आपका हाथ? मेरे को लगता है इस बार तो कुछ तो होगा। नहीं हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ना, नहीं ये नहीं होना चाहिए, हल्का का दर्द, ये नहीं होना चाहिए। आप लिखिएगा कि नहीं होना चाहिए, हो रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में ना देखे आए थे हमको 4-5 घंटे तक कुछ नहीं लगा था, अभी 2 घंटा ही हुआ है कि थोड़ा सा लग रहा है। तो अभी तो फिलहाल आए हैं, इतना ठंड से चाय बन रहा है और हम खाना भी बना ही लेंगे साथ में, क्योंकि पता नहीं क्या चाय बन रहा है। ठीक है, 4-5 बज रहा है, 2 घंटे के बाद अपडेट है कि मेरा ठीक है, इसका हालत खराब है, पेन हो रहा है और ये चाय थोड़ा सा उनकी बीवी को जो है टाइम लगेगा। चाय दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या बोलते हैं जी, उठता हुआ बनबुलाता हुआ करकराता, ए भाई ओए भाई, ए भाई आ जा, मस्त फनफना रहा है, नौ पे है भाई, आई भाई आ जा, इधर आ जा, बहुत सुंदर लग रहा है। चाय गिरने के बाद जो क्लीनिंग करना पड़ता है इसलिए। और सामने ये देख रहे हैं, इधर इधर अभी छुएंगे ना, ये हमारा अच्छा मिस्टर मटन है वो। हाँ मिस्टर मटन छुपे हुए हैं ना। हाँ ये इनका घूंघट उठाओ, इधर मटन को डाल दिए, इसको मैरिनेट कर देते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर मैरिनेट करेंगे आपके सामने, मसाला वगैरह डालेंगे, फिर उसको 1 घंटे छोड़ेंगे, फिर बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। बस रोटी बन पाएगा, बाहर जल्दी जल्दी बना के खत्म कीजिए आप। ठीक है, उसके बाद सोना है, जल्दी से सोना। लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि कल ऋषि स्कूल भी हो जा पाएंगे, देखते हैं कैसा अपडेट रहता है। बूस्टर, थर्ड डोज बूस्टर का अपडेट देते रहेंगे, थर्ड के बाद अब फोर्थ फिफ्थ सबके लिए तैयार है। सारे डोज बूस्टर ले ले, कोई बीमारी हमको नहीं हो सकता है बूस्टर लेने के। चलिए फटाफट चाय बन चुका है, ये देखिए यहाँ पे मेरा सारा मसाला निकल चुका है और दही भी है, दही का टेंटे सब चुप। और यहाँ पे योगर्ट का पूरा देख रहे हैं पानी निकाल दिए हैं टिश्यू में डाल के, इसका पानी उतना था नहीं तो इसको टिश्यू में डाल के इसका पूरा पानी निकल चुका है। तो चलिए फटाफट मसाला और तेल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक लेमन, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये लड़की ना मेरे लिए गीत गा रही है, गुनगुना रही है। अभी हम दोनों में खूब फाइट हुआ इस चिक्की को लेके, लास्ट चिक्की एक जो चिक्की था ना, तो हम खा रहे थे तो ऋषि आके बोल रहा है ना पापा पापा मेरे लिए, तो उसको दे दिए। अब एक दूसरा खा रहे थे, बोल रहे हमको भी दो। अरे बाबा लास्ट बजा दे 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 ना, पूरा दे दे ना। लास्ट पीस बचा, बहुत बढ़िया चिक्की बना है। कहाँ डॉक्टरनी, कहाँ चल रही आप? किसका जो है कत्ल करने जा रहे हैं? मटन का ऑपरेशन करने जा रहे देख सकते हैं, मटन का यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, देखे हमारा मटन बन के तैयार है, रोटी बन चुका है। और हम ना इनको बोले कि मेरे हाथ में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्या बोलते हैं, हम लिए हैं राइट में और हमारा लेफ्ट हैंड दर्द कर रहा है, बताइए तो। राइट कहाँ लिए, राइट में लिए हैं, लेफ्ट सही में बहुत कॉमेडी हो गया, हमको ना राइट हैंड में दिया है दवाई, ठीक है, और हमको जो है ना ये पूरा दुख रहा है मेरा। हम इनको ना बताने जाते हैं अपना दुखी, बेचारा अपना दुख, वो भी उल्टा हाथ का बता रहे हैं। फिर जो हम लॉजिक समझे ना,
कि दोनों हाथ कनेक्टेड है ना, दवाई इधर दिया तो इधर आ गया। ये तो गजब है। चलिए खाना बन गया, दिखाते हैं। और अब ये भी दुख रहा है, दुख रहा है। कितना घंटा हो गया है? अब नौ बजे मिला था, 8 घंटे के बाद जो है दर्द चालू हो गया। पता नहीं रतिया में सो पाएंगे कि नहीं। मेरा भी दर्द हो रहा है। सुबह भी बताएंगे आपको, कंटिन्यू ब्लॉग को रखेंगे कि सुबह हम लोग का क्या हाल है, वो भी दिखाएंगे। अभी चलिए खाना खाते हैं, बन चुका है, और सुबह उठ के बताएंगे कि हम लोग ठीक ठाक है कि फीवर है कि कैसा। हैंड तो बहुत दुख रहा है, दुख रहा है चालू। इस बार ना वो दी भी ना बहुत गंदे तरीके से हमको लग रहा है कि यहाँ जब से दिए तभी से दुख रहा है। तो चलिए खाना बन चुका है, हम लोग खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं सुबह आपसे, फिर वीडियो को एंड करेंगे सुबह में। कम से कम बूस्टर डोज का रिपोर्ट तो बता दे कि कैसा रहा बूस्टर डोज हमारा। आज नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे बज रहा है 1:01 देख रहे हैं। और हम लोग सुबह उठे हैं, ऋषित को छोड़ के हम सोए हैं, खूब सोए हम लोग, खूब सोए उठे हैं। अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा, ये हाथ कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा, ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है, ये वाला हाथ। और फीवर उबर हमको तो हल्का हल्का लग रहा है अंदर से ना, फीवर लग रहा है। मेरी बीवी का हाथ दुख रहा है, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, लेकिन फीवर तो नहीं है। लेकिन हाँ, उठने का मन नहीं कर रहा, चाय पीने का मन कर रहा लेकिन चाय भी नहीं बन। बस ऋषित को किसी तरह स्कूल भेज दिए कि आज भी स्कूल जाएगा तो हम लोग सो पाएंगे आराम से। हाँ, तो बूस्टर डोज ना थोड़ा सा हमको इस बार लगा कि मतलब आप जो भी वेरिएंट आएगा ना उस पे फुल असर करेगा। लास्ट 2 टाइम ना हम पे कोई असर नहीं किया था, ये बोले तुमको ना कोई असर नहीं किया है वैक्सीन, लेकिन इस बार तो है कमजोरी। मतलब नहीं होता है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, कमजोरी लग रहा है, हैंड में पेन है, ये सब है। तो चलिए यही था, मतलब अब नहीं होना चाहिए, हो गया ना, कितना आवर हो गया है, 24 घंटा हो गया, 24 आवर हो गया। तब तो रेस्ट करते हैं, कल से ठीक रहे। हाँ, तो 24 आवर हमारा, हम दोनों का हो गया, ठीक है। हाँ, रेस्ट कर रहे हैं, जैसे स्कूल गया था आराम से रेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यही एंड करते हैं, दिखाए कि भाई बूस्टर डोज कैसा रहता है, बूस्टर का रिव्यू मिल गया आप लोगों को, ठीक है। लेकिन हम लोग का तीनों फाइजर पड़ गया, ये भी एक अच्छा है ना, तीनों डोज। अगर मॉडर्ना पड़ता तो मैं भी हो सकता था कि कुछ थोड़ा सा अलग होता है तब, और वो रहता है, उसको क्या बोलते हैं, और ताकत आता है उसमें। तो चलिए वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।